राजस्थान के उदयपुर में दो कट्टरपंथियों द्वारा दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया। राजस्थान के उदयपुर में दो कट्टरपंथियों के द्वारा दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा आज एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसे व्यापारियों की संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन देते हुए सभी व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की बातें कही गई थी। वहीं कुम्हारी भिलाई 3 और चरोदा नगर क्षेत्र के अधिकांश व्यापारियों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी। दुर्ग जिला SP अभिषेक पल्लव ने कहा कि बंद को लेकर जगह जगह शहर के व्याप्त चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और हिंदूवादी संगठनों से जोर जबरदस्ती न किए जाने की बातें कही गई हैं। दुर्ग पूरे जिले में सुबह से ही 5 बजे से पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग, जीप पेट्रोलिंग, कार पेट्रोलिंग, खुद पेट्रोलिंग की जा रही है। जगह जगह दुकानों को सुरक्षा प्रदाय की गई है। जरूरी दुकानें सारी खुली हुई हैं, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी 2 बजे तक की बंद को सपोर्ट किया था, तो जो लोग स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं उनके द्वारा बंद किया गया है। बजरंग दल, VHP और BJP के जो नेतागण बाइक्स में और इसमें निकले हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया कि किसी को जबरन बंद ना कराया जाए, जो स्वेच्छा से बंद करें वो बंद करें। उनके द्वारा भी काउंसलिंग करके कुछ लोगों को बंद कराया गया है, लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित नहीं की। बहरहाल बंद का असर दुर्ग जिले सहित पूरे प्रदेश में भी देखने को मिला। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।